मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र के मंडी चौराहा पर सोंख रोड से दो दुकानों में आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड ने आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये दुकानें फुटवियर व गारमेंट्स की थी, वो वहीं दूसरी दुकान सुनार की थी। जानकारी देते हुए फायर ब्रिगेड अधिकारी ने बताया कि यह आग लगने की घटना दुकान में जलते हुए दीपक की वजह से लगी है। आग के कारण दोनों दुकानों में लाखों का नुकसान हुआ है। जो दुकान में आग लगी थी कितनी देर में? ये फुटवेयर की दुकान थी, इसके अंदर काफी सारे जूते वगैरह भरे हुए थे। हमारा जो मेन कंसर्न था वो ये था कि पटाखे की दुकान भी साथ में थी, ऐसा ना हो कि भाई आग फैलते हुए यहाँ तक पहुँच जाए, तो इसीलिए हमने दो तीन गाड़ियाँ यहाँ पे भिजवाई और मैं भी कंसर्न मौके पे यहाँ पे आया। अभी जो था ये पूरी दुकान भरी हुई थी और अंदर कोई दिया जला करके, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिया लगा करके चले गए। और जब दुकान का स्टर बंद था जब हम आए यहाँ पर, और चाबी आने में काफ़ी लेट हुआ इसलिए स्टर को काटना पड़ा, और जब तक अंदर पूरा धुआं और आग जो थी वो फैल चुकी थी। लेकिन हमारे बंदों ने काफ़ी अच्छा काम किया और आग रजिस्टर को काटा और उसके बाद में आग को बुझाया और आसपास की जितनी भी दुकानें थी उनको बचा लिया गया। लोगों को मशक्कत करनी पड़ी आपको? यहाँ पे हमारा पूरा दो गाड़ियों का जो स्टाफ था, जो टर्नआउट था, काफ़ी उनको मेहनत करनी पड़ी और ये भगवान का शुक्र है कि आग जो है पूरी मार्केट में नहीं फैली। लोग कितने देर में अपने आग पर काबू पाया? लगभग हमारे को इसमें आधा घंटे से ज़्यादा का टाइम लग गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वहाँ पर जो स्टर था वो लॉक था और वो लॉक जो थे वो खुल नहीं पाए टाइमली और उसको काटना पड़ा। मैं कृष्णनगर पूर्वसिनी डिप्टी मेयर करनाल, मैं करनाल की जनता का और हरियाणा की जनता का भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताने के लिए दोबारा मनोहर लाल जी के कार्यशैली को देखते हुए उनकी फेवर में वोट करके उनको जिताने के लिए और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनने जा रही है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूं कि दोबारा से श्री मनोहर लाल जी में विश्वास जताते हुए उनका मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने दोबारा फिर पार्टी का संगठन में कार्यशैली देखते हुए, हरियाणा में काम को देखते हुए मुख्यमंत्री दोबारा मनोहर लाल जी को बनाने के लिए जो उन्होंने स्टैंप लगाई है, मोर लगाई है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ऐसे मुख्यमंत्री हरियाणा में जिन्होंने अपनी ईमानदारी, निष्ठावान, सभी हरियाणा के सारे एरिए में समान विकास और नौकरियों में जो पहले धांधली होती थी उसको छोड़कर मेरिट पे नौकरी देने का कार्य जो किया, इसी को देखते हुए जनता ने इनको दोबारा फिर चुना। मैं एडवांस में हरियाणा की जनता को फिर बधाई देता हूँ कि मनोहर लाल जी पे विश्वास जताते हुए इन्होंने विधायक बनाया करनाल की जनता ने और आगे मुख्यमंत्री हरियाणा का पद संभालने जा रहे हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की तरफ से दिवाली और भैया दूज की करनाल की जनता को और हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी इस पर्व पर सभी के घर में खुशी रहे, श्री गणेश माँ लक्ष्मी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे और सबके घर में खुशी रहे। धन्यवाद। मैं मोनिका गर्ग वार्ड नंबर 12 से सभी करनाल वासियों को अपने परिवार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और भैया दूज की भी मैं शुभकामनाएं देती हूं। श्री गणेश भगवान जी और माता लक्ष्मी जी सभी करनाल वासियों पे अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा करनाल नगर निगम के पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर तथा उनकी पुत्र वधू और करनाल नगर निगम वार्ड 12 की कर्मच और मेहनती तथा लोकप्रिय पार्षद मोनिका गर्ग की ओर से सभी प्रदेश वासियों को शुभ दीपावली, भैया दूज तथा विश्वकर्मा दिवस की
हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा करनाल नगर निगम के पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर तथा उनकी पुत्र वधु और करनाल नगर निगम वार्ड 12 की कर्मच और मेहनती तथा लोकप्रिय पार्षद मोनिका गर्ग, भगवान श्री गणेश तथा महालक्ष्मी से कामना करते हैं कि आपका परिवार सदैव खुशहाल रहे और धन धान्य से भरपूर रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा करनाल नगर निगम के पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर तथा उनकी पुत्र वधु और करनाल नगर निगम वार्ड 12 की कर्मच और मेहनती तथा लोकप्रिय पार्षद मोनिका गर्ग की ओर से आप सबको एक बार फिर से दीपावली, भैयादूज तथा विश्वकर्मा दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।